साथ हिरामणि तिवारी है। हिरामणि तिवारी ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे जहां पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिसके बाद 20 से 25 जो शिवसैनिक आए थे न कि सिर्फ उनके साथ गाली गलौज की है, उनके साथ मारहाण की है, पर साथ ही जबरन उनका मुंडन तक करवाया। मुनि से डायरेक्ट बात करते हैं। जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं कि शिवसैनिकों ने आके न कि सिर्फ आपके साथ गाली गलौज की है, आप मारहाण की है, पर एक ज़बरदस्ती आपका मुंडन तक करवाया है, क्या ऐसी वजह रही और उनका क्या कहना था? जी उनका कहना था कि अगर आप पहचान के नहीं होते तो हम आपको जान से मार देते, और उन्होंने जितना अपमान वो कर सकते थे उन्होंने फिलहाल अपने ही तरीके से किया। और उसके अलावा भी उनका कहना था कि जो है महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको उद्धव ठाकरे को भगवान मानना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, फिलहाल मैंने जो पोस्ट किया था मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि शायद ये अराजकता फैला सकती है या समाज में एक अलग मैसेज जा सकता है, इसलिए मैंने समय रहते उस चीज़ को डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, मैटर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने एक शिवसैनिक थे उनसे मैंने बात भी कर ली थी। मैंने कहा था भाई सॉरी, जो मैटर हुआ मैटर ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जो इनका कायराना हरकत थी कि ये घर पे आके किसी को घर से घसीटते हुए लेके जाना, और उसके बाद फिर ये 20-25 लोग मिलके एक आदमी को मारना, ये उनको अगर मर्दानगी लगती है तो ये बड़ी शर्म की बात है। उनको शिवसैनिक, ऐसे शिवसैनिक को जो है इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि निकाल देना चाहिए इसी पार्टी से, अदरवाइज वो मैसेज एक ही दे रहे हैं कि इस महाराष्ट्र में गुंडा राज कायम है और रहेगा, और गुंडा राज ही चलता है यहाँ पे। अगर ऐसी गुंडागर्दी ही करनी है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, तो आप हमसे बता दीजिए कि हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, आप यहाँ का टैक्स पेयर नहीं हो, आपका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, और आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, और हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप हाथ खड़े कर दीजिए और बता दीजिए, ऑफिशियली लिख के कहीं दे दीजिए कि आप यहाँ से चले जाइए, या यहाँ से अगर आपको लगता है मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ तो आप जो जहाँ भेजना चाहते हैं मुझे भेज सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये, जब मैंने पोस्ट को डिलीट कर दी थी, डिलीट करने के बाद अगर मुझ पर हमला किया गया, हमला करने के बाद भी मुझे पुलिस स्टेशन जब ले जाया गया, ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे 149 का नोटिस जारी किया जो शांति भंग करने का शायद होता है। मुझे मेरा दूसरा सवाल यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस तरीके के मारहाण के बाद और न कि जबरन जहाँ पर मुंडन करवाए दिए, इसके बाद आप जो पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस का क्या कहना था? जी पुलिस का रोल आपको बता दूँ, बड़ा ही आश्चर्यजनक था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जैसे वो आए, जिस तरह वो आए घटना के दो तीन मिनट बाद आए हैं, मुझे तो लगता है कि सुनियोजित था, ये प्लान था उनका। शिवसेना शाखा के पास गाड़ी खड़ी थी और उसके बाद एक टाइम पे आते हैं और फिर हम लोगों को लेके जाते हैं, और जिसमें उनको प्रकाश साहब और समाधान साहेब, सबको साहेब, सारे लोगों को जो शिवसैनिक जो अभद्र लोग थे उनको साहेब कहा जा रहा था। अब मेरा ये मानना है कि इस तरह से तो लगता है कि भाई उन्होंने जो किया बड़ी बहादुरी काम किया, जिसको पुलिस सपोर्ट कर रही थी। अब मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकेला था, मेरे पिताजी थे, हम डरे हुए थे, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई ये नहीं था कि भाई हमारे अधिकारी कोई बात भी करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जहाँ पे शूटिंग करने जहाँ पे आप आए हो ये भी कोई बड़ी अच्छी जगह नहीं है, और आप मानते हो कि यहाँ पे किसी को भी आसानी से निशाना बना जा सकता है, और मेरी सुरक्षा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र अगर वो लगता है उनका महाराष्ट्र उनका है तो महाराष्ट्र उनका है और गुंडे यहाँ के हैं। और पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने अब तक जो है पहले दिन जब घटना घटी तो सिर्फ उन्होंने 149 का नोटिस जारी किया, और जारी करके हम दोनों को रफा दफा कर दिया मामले को, और उसके बाद मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, जैसे बाकी लोग मार खाते भाई मैं भी मार खा के चुप हो जाता शायद। उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा था शायद मेरे मर जाने के बराबर हो गया है, मेरा करियर स्पॉइल हो गया पूरी तरह से। और उसके बाद रात के 1 बजे मैं देखता हूँ उन्होंने सोशल मीडिया में ये बहादुरी अपनी जो उन्होंने नमर्दानगी की है उसको उन्होंने शेयर कर दिया। शेयर करने का मतलब ये होता है कि मैं ऑफिशियली बदनाम हो गया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, चाहे हर तरफ से पूरे समाज में। तो मुझे लगा कि अब मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब एक तरफा इंसाफ की बात करें तो हम देख रहे थे कि जहां तक आप लगातार FIR की बात कर रहे थे, पर वही पुलिस ने अपने जो स्टेटमेंट जारी की थी उस स्टेटमेंट में ये बताया कि आपका जो स्टेटमेंट लिया गया था इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही शिवसेना का जो कार्यकर्ता जिन्होंने आपके साथ मारहाण किए उनके स्टेटमेंट के बाद नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के तौर पर जो है दिया गया, जबकि आपकी मांग FIR की जी। दरअसल मैं जब परसों गया यहाँ के जो स्थानीय आमदार हैं, पहले मैं BJP में था युवा अध्यक्ष के तौर पर, तो उसके बाद मैं कुछ दिनों से नहीं जा पा रहा था और मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, मेरी फिलहाल नौकरी के चलते जॉब के चलते,
और उसके बाद मैंने जब उनसे बताया कि ऐसी सी घटना हुई मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ न्याय अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपका FIR कम से कम हो जाए। और उसके बाद हमने पूरा दिन एक्सरसाइज किया है पुलिस स्टेशन वड़ाला TT में, जो है कि बहुत ही गंदे रिकॉर्ड का पुलिस स्टेशन रहा है अब तक, चाहे वो विजय सिंह का मैटर रहा हो, चाहे बहुत सारे मुद्दों में वो फेलियर रही है उनकी। और हमारे DCP साहब ने, जो सौरभ त्रिपाठी जी हैं, उनकी भूमिका मैं आपको बताता हूँ। और पूरा दिन एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ मेरा स्टेटमेंट लिया जाता है पूरे दिन में। मेरे लॉयर को स्टेटमेंट देखने तक की परमिशन नहीं होती है, साइन मैंने कहा कि भाई साइन करने से पहले मुझे देख लेने दिया जाए, नहीं होती परमिशन। मेरा लॉयर दिन भर भटकता रहा, नहीं हो सका। उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे हम लोग DCP के पास जाते हैं, और डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जिनका नाम है, और वो उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने क्या बताया कि FIR आपका ले लें, आपके नाम पे भी FIR डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी FIR भी नहीं ले रहा हूँ, तो आपकी भी नहीं लूँगा, ठीक है, आपको बचाने के लिए, मतलब मेरी हेल्प कर रहे थे। और मेरी लॉयर तो ने पूछा कि 153 की धारा लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि 153 की धारा लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ऊपर से आप परमिशन लेनी पड़ती है, उनको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आप जेल चले जाओगे और वो बच जाएंगे। और मैंने चाहता कि आप जेल जाओ, सोचिए डिप्लोमेटिक आंसर, यानी मुझे हमने इनडायरेक्टली डरा धमका के फुसला के वहाँ से भेज दिया गया। तो ये शिवसेना की जो आप बता रहे हैं कि जो गुंडागर्दी जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ की, जिस तरीके से बदसुलूकी की उन्होंने आपके साथ, तो इसको कहीं ना कहीं पर एक समर्थन जो है वो क्या खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की ओर से? अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है, और उस बंदे को ना तो पार्टी से निकाला गया है, ना उस बंदे को कोई सजा हुई है। इसका मतलब साफ है मैम, मुझे यहाँ डरना चाहिए क्योंकि यहाँ गुंडों का राज है, इस तरह से मुझे लग रहा है। और मैं अपने आप को समझ चुका हूँ, जिसकी इतनी बदनामी हो चुकी है, मैं एक मरे हुए इंसान समान हूँ। अब मुझे लड़ाई लड़ने से और मरने से किस चीज़ का डर होना चाहिए? मेरे पास बचा क्या है? अब मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट जा चुकी है, रिश्तेदारी में रिस्पेक्ट जा चुकी है, मेरा करियर स्पॉइल हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? और रही बात इनके भगवान की, इनके भगवान को तो मुझे लगता है कि जो है इनका पहला फर्ज था कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए था, ऐसे गुंडों कंट्रोल करना चाहिए था, ऐसे गुंडों पर सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हैं ये। इसका मतलब साफ है कि इनका खुला समर्थन है। और इस महाराष्ट्र में अराजकता और गुंडागर्दी चरम सीमा पर शुरू हो चुकी है, और ये शुरुआत है, चाहे वो विजय सिंह का मैटर हो, इन्हें क्या लगा था कि मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ, निशाना बना के उन अपनी राजनीति चमका लेंगे वो, और अपने हीरो बन जाएंगे, उनको पद मिल जाएगा शिवसेना में, यही तरीका था उनका, क्या यही मानसिकता थी उनकी? तो मैं उनको बता दूं कि मैं अब डरने वालों में से नहीं हूं, मैंने शुरुआत कर दी है, मुझे न्याय चाहिए मुख्यमंत्री जी, अगर आप न्याय नहीं दे पाएंगे तो मैं आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आप इस राज्य से चले जाइए, हम आपकी सुरक्षा करने में जिम्मेदार नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हीरामणि तिवारी जी, जो कि अब लगातार जो है अपने न्याय के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में इन्होंने, जाहिर सी बात, इन्होंने कंप्लेंट तो की थी, पर इन्हीं को ये कहा गया कि न कि अगर शिवसेना की भी FIR नहीं लिया जा रहा है तो इनका भी FIR नहीं लिया जाएगा। पर अभी फिलहाल जहाँ तक ये बताया गया है कि FIR तो दर्ज की थी, पर कॉपी जो है वो इनके हाथों में अब तक नहीं दी गई है। तो अभी देखना यह है कि क्या इस पर कोई स्टेटमेंट खुद ठाकरे परिवार की ओर से, क्या खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर कोई बयान देते हैं या नहीं।